खड़े ट्रक में पीछे से टकराया ऑटो, एक की हुई मौत, 6 घायल। गौराबासापुर जौनपुर से खबर आ रही है, जहां गौराबासापुर थाना क्षेत्र के जौनपुर आजमगढ़ हाईवे पर करीबुद्दीन गांव के पास हुए एक भीषण सड़क हादसे में सड़क के किनारे खड़े ट्रक के पीछे से एक ऑटो के टकरा जाने की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि ऑटो बैठ चालक सहित अन्य 6 लोग घायल हो गए। जौनपुर रिदम इवेंट एंड डांस ग्रुप सुंदर नगर उमरपुर जौनपुर के 6 कलाकार ऑटो से शनिवार की रात गौराबासापुर में होने वाले भरत मिलाप की प्रस्तुति देने के लिए गौराबासापुर से आए थे। प्रस्तुति देने के बाद ऑटो से सुबह अपने घर वापस जा रहे थे। संभवतः रात भर जगे होने के कारण ऑटो चालक को झपकी आने की वजह से वह सुबह 7:15 बजे के आसपास करीबुद्दीन गांव के पास सड़क के किनारे खड़े ट्रक में पीछे से उसका ऑटो टकरा गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ऑटो की गति काफ़ी तेज थी। ऑटो में जितने भी लोग बैठे हुए थे, सिद्दिकपुर निवासी अमन जायसवाल 26 वर्ष पुत्र राजेश, ऑटो चालक मनीष कुमार उम्र 20 वर्ष निवासी जोगियापुर, आशिक उम्र 21 वर्ष निवासी किराकत, निखिल उम्र 21 वर्ष निवासी सुंदरपुर उमरपुर, रिंकू उम्र 20 वर्ष निवासी सुंदरपुर उमरपुर, आयुष 23 वर्ष निवासी सुंदरपुर उमरपुर और कृष्णा विश्वकर्मा उम्र 22 वर्ष सभी लोग घायल हो गए। सभी घायलों को स्थानीय लोगों ने 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भिजवाया, जहां गंभीर रूप से घायल सिद्दिकपुर निवासी अमन जायसवाल की मौत हो गई। बाकी घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार होने में सफल हो गया। देखिए जौनपुर से पंकज राय की रिपोर्ट। कुछ लोग उसमें जा एक होते इधर है सब लोग बैठिए सब लोग हम बैठा था एक ही एम्बुलेंस में बैठा जाता था पैसे और हाथ लगाओ और ज्यादा भाई एक जने हैं ना आवाज़ गाड़ी की ओर आ रहा है भैया छोटा छोटा बनाओ।